नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहां पर दोस्तों मैं ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं रेलवे में भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी यहां पे आउट नहीं हुई है। और दोस्तों यहां पर जो न्यूज़ चैनल है इनके द्वारा ही एक ट्वीट किया गया है, बिल्कुल ऑफिशियल ट्वीट है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि रेलवे में कितने पोस्ट खाली हैं अभी तक। बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहां पर मैं आप लोगों को वो ट्वीट दिखा देता हूं जो कि यहां पे ये ट्वीट किया गया है। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखेंगे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे ये ट्वीट किया गया है। इनके लगभग 4.1 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जो है अथॉन्टिक जो है, जैसे ANI है, जी न्यूज़ है, इस तरीके से जो और ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया जाता है, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, बिल्कुल ऑथोराइज होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इनके द्वारा लगभग 7-17 पे जो है ट्वीट किया जाता है आज के डेट में, 28 जून के डेट में। और यहाँ पर लेके बताया जा रहा है कि RTI क्वेरी फाइंड्स अराउंड 2.74 लाख रेलवे बेस पोस्ट, यानी कि इनके द्वारा RTI फाइल करी जाती है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। और RTI के द्वारा ही जॉब वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट से आप मांग सकते हैं, ये आपका हक होता है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इनके द्वारा यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा RTI फाइल करी जाती है और उसमें फाइंड किया जाता है कि 2,74,000 रेलवे जो है फाइंड किया गया है, जो कि ऐसा वैकेंट के रूप में। आप लोग देखेंगे कि 2,74,000 के जो है पोस्ट में इंक्लूडिंग 1.7 लाख इन सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि लगभग 1,70,000 के पोस्ट यहाँ पर जो है वो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत खाली हैं। वैकेंट एज ऑफ जून 2023, यानी कि 2023 तक अब तक टोटल 2,74,000 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। रेलवे सेज एड्रेसिंग इश्यूज थ्रू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड मूविंग नॉन कोर स्टाफ टू कोर जॉब्स, यानी कि यहाँ पर रेलवे कह रहा है, रेलवे कह रहा है कि जो ये इशू है, यानी कि 2,74,000 का जो ये पोस्ट है, इसको हम भरेंगे एज अ रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस एंड मूविंग नॉन कोर स्टाफ एंड कोर स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ है उनको प्रमोट करके, ठीक है, या फिर जो है नई भर्ती निकाल करके। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके से जब बड़ी बड़ी न्यूज कंपनी यहाँ पे लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे में वैकेंसी आनी है वो जल्द, बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसी मिलेगी। कहीं ना कहीं ये अपने आप में गुड न्यूज़ है इस तरीके से, अगर न्यूज़ चैनल जो है सामने आ रहा है। बाकी आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर नीचे लोग कमेंट भी किए हैं, जो भी और कैंडिडेट्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पर ये कमेंट करके बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द हम लोग को न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा। काफ़ी जो है परेशान रहते हैं जो है न्यू भर्ती को लेकर के कैंडिडेट्स, क्योंकि ऑलरेडी इतने जो है कैंडिडेट्स हैं जो कि रेलवे में वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए। आप लोग जानते हैं कि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी जो है अभी तक नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द वैकेंसी आएगी दोस्तों, ये अपने आप में गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर ये लगातार जो है कैंडिडेट्स के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, जो हमारे CCS कैंडिडेट हैं उनके द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसी संस्था लगी हुई है कि न्यू रिक्रूटमेंट जो है कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा जल्द से जल्द दे दिया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना था आप लोगों के साथ। ये इन्फॉर्मेशन यदि पसंद आया है तो आप हमें हमारे वाईफाई गूगल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे ट्विटर को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और अभियान वगैरह यदि चलाना रहेगा तो हम जरूर अभियान चलाएंगे। तो हमने ट्विटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।